वेलकम बैक टू रियांज प्लांट्स एंड पॉट्स। दोस्तों, ये सिंगोनियम यानी कि एरो हेड का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो साल भर आपके गार्डन में बना रहता है। और हैंगिंग बास्केट में आजकल इसे लगाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और जब से नासा की दी हुई लिस्ट, जो कि बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की लिस्ट है, उसमें जब से इस प्लांट का नाम आया तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके प्राइस की। तो क्योंकि ये देसी वैरायटी है और इसकी उसका जो रूटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लेकिन देसी वैरायटी बहुत ही सस्ती होती है। आपकी जो लोकल नर्सरीज होती है वहाँ पर आपको 20 से 30 रुपए में ये प्लांट बहुत इजीली मिल जाएगा। और बात करते हैं इसकी प्रोपेगेशन की। तो दोस्तों, इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है और इसको आप छोटी से छोटी कटिंग, यानी कि जो जैसे मनी प्लांट को आप नोड एरिया से ग्रो करते हैं, इसी तरह से इस प्लांट को भी नोड एरिया से ग्रो किया जाता है। इसमें एरियल रूट्स आते हैं, वहीं पर आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए तो उसमें से ग्रोथ हो जाती हैं। सर्दियों में पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और गर्मियों में जैसे बहारों का टाइम आता है, जैसे मार्च का टाइम आता है, तो इसमें से नई ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाती है। वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, ड्रॉट रेजिस्टेंट है प्लांट ये। और सर्दियों में क्योंकि डोरमेंसी में रहता है तो पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। ये देखिए, साथ साथ में बारिश की वजह से जिसके सूखे पत्ते हैं पॉट पर चिपक गए वो भी रिमूव कर दिए हैं। तो जब बारिश का टाइम आता है, जो बारिश के महीने होते हैं इंडिया में, उस टाइम में आपको इस प्लांट को अगर बारिश में रख दे तो इसकी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ही सुंदर हो जाता है प्लांट, नई नई ग्रोथ आती है। ये देखिए, वाइन फॉर्म में ये आ गया है क्योंकि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है प्लांट की। इस तरह से इसमें एरियल रूट्स निकली हुई होती है, इन्हीं की हेल्प से आप इसको यहाँ से कट करके प्रोपेगेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसको रखना कहाँ पर है? इसको आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर खूब तेज ब्राइट लाइट आती हो, जैसे कोई वरांडा ऐसी कोई जगह है, तो आप वहाँ पर रखते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसको पहले एक कॉर्नर में रखा हुआ था वरांडे में, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से चल रहा था। अभी क्योंकि बारिश का टाइम था कुछ दिनों पहले तक, इसलिए इसको बारिश खुले में रखा हुआ था। और इसकी एरियल रूट्स की ग्रोथ देखिए आप, कितनी ज़्यादा हो गई है। तो बहुत ही सुंदर सा प्लांट है और इसमें कोई बीमारी वगैरह मैंने अभी तक नहीं देखी है। ज़्यादा पानी दे देंगे तो रूट रोटिंग का थोड़ा सा डर रहता है, अदरवाइज़ तो इसमें कोई भी ऐसी कोई बीमारी या कोई कीड़ा मैंने इसमें अभी तक नहीं देखा है। तो जो भी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी नए व्यूवर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू सो मच।